फिलिपियों की पत्री चौथे अध्याय के चौथे पद में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा, इसको आज्ञा ही कहा जाएगा, आज्ञा पढ़ते हैं। प्रभु के वचन की आज्ञा है, जहाँ लिखा है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए कि जीवन में हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। अच्छा, मैंने आपके सामने पढ़कर जो सुनाया उसमें दो शब्द छोड़ दिए थे। जब वो दो शब्द और इस पद के साथ जोड़ दिए जाते हैं, वहाँ जो लिखा हुआ है, तब वो कथन या स्टेटमेंट पूरा होता है, जहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पिछले कई महीनों से अपन लोग प्रभु के वचन से इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तब उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या होती हैं, मतलब प्रभु की तरफ से उसके जीवन में क्या क्या बातें मिली हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि प्रभु की तरफ से उसको क्या क्या आज्ञाएँ मिली हैं। हमने ये भी देखा था कि उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आना चाहिए, उसके स्वभाव में क्या क्या बदलाव आना चाहिए, उसकी जो दिनचर्या है, मतलब रोज रोज वो जो कुछ करता है उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। इसी के संदर्भ में, मतलब इसी कड़ी में, इसकी अगली कड़ी है प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में बदल ग्रहण कर लिया है, उसके जीवन में जो बदलाव आता है वो हर तरह से बदलाव आता है। ना केवल उसके उसकी बोली में बदलाव आता है, ना केवल उसके कर्म में बदलाव आता है, बल्कि उसके मन में भी बदलाव आता है। मन में हम सब लोग आनंदित रहना चाहते हैं। आपने लोगों का नाम सुना होगा, लोगों का नाम आनंद रखा जाता है, हर्ष रखा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम दुख रखा जाता है क्या? किसी व्यक्ति का नाम मुसीबत रखा जाता है क्या? नहीं। हाँ, कई लोगों को देखते हैं तो दूर से लोग कहते हैं अरे भैया वो मुसीबत आ रही है, मतलब लोगों को उनकी बुराई दिखाने के लिए उपहास के रूप में लोगों का नाम मुसीबत जरूर रखा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम हमेशा आनंद, आशीष, अनुग्रह, विश्वास, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम में से हर व्यक्ति मन ही मन आनंद चाहता है, अनुग्रह चाहता है, आशीष हम में से हर व्यक्ति चाहता है, विश्वास जो कि आत्मिक जीवन का एक आत्मिक जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है, वो हम चाहते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि हम अपनी जो बोलचाल है और इवन लोगों का जो नाम रखते हैं उसमें हमारे मन की जो भावना है, क्या भावना? कि जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है उसके जीवन में आनंद होना चाहिए। ये इवन जब हम बच्चों को नाम देते हैं तब उसके द्वारा स्पष्ट करते हैं। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आनंद नाम दे दिया जाता है या हर्ष नाम दे दिया जाता है तो उसके जीवन में हमेशा आनंद नहीं होता है, जीवन में हमेशा हर्ष नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि जब हम इस संसार में रहते हैं तब संसार में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, हर व्यक्ति के सामने परेशानियां आती है। कल को नौकरी के लिए गए तो पता चला कि वहाँ कुछ और नई मुसीबत खड़ी हो गई है, हम सब इस बात से परिचित हैं। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं इनमें बहुत सारे लोग अपने घर बार को, अपने गांव को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर नौकरी के लिए, पेशे के लिए आए हैं। देखिए, एक बात बहुत साफ है, हम में से जिसने जहाँ जन्म लिया है और जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ हमारी पढ़ाई हुई है, जहाँ हमारे नाते रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, दोस्त हैं, उसको छोड़कर दूर कहीं नहीं जाना चाहता।
लेकिन आज यहाँ इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं, हम में से कई लोग अपने घर बार से बहुत दूर हैं। क्यों? इसलिए कि नौकरी की कमी है, और जब नौकरी की कमी होती है तब जीवन में संघर्ष आता है, और संघर्ष के हिस्से के रूप में हम घर बार छोड़कर, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर दूर जाते हैं। तो चाहे जीवन में कमी घटी हो, या जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर परेशानी हो, इस बात को तो हम बहुत साफ जानते हैं कि मनुष्य के चोले में जन्म लिया है तो जीवन में परेशानी तो होगी, जीवन में दर्द तो होगा। और यदि जीवन में दर्द होगा तो इस पद का क्या मतलब है, प्रभु में आनंदित रहो? क्योंकि प्रभु में आनंदित रहो तो हम समझ सकते हैं, यह एक और छोटा सा शब्द जोड़ दिया गया है, और वो है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीवन में सदा आनंदित रह सकता है? कोई भी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में सदा आनंदित रह सके। यदि आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तो भी, मान लीजिए रिश्ते में कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो आनंद दुख में बदल जाता है। और इस संसार में हम इस बात को जानते हैं कि जब तक हम रहते हैं तब तक आया है सो जाएगा, तो सब आनंद में हो तो भी कोई बुजुर्ग या कोई ना कोई गुजर ही जाता है। तो चाहे कितने भी आनंद से हम रहने की कोशिश करें, जीवन में दुख के अवसर आते ही हैं। और इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, तो उसका क्या मतलब है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और आज शाम को उस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, हम इस बात को समझ लें कि जीवन में जो कुछ होता है सब अच्छा नहीं होता है। सी, अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है। छोटी सी बात कहा जाए तो सभा में जाने के लिए तैयार होके खड़े हुए, और जब पैदल जा रहे थे, बात में हमने ध्यान नहीं दिया कि वो एक ईंट सड़क पर उखड़ा हुआ है, और जाते में ईंट से टकरा के गिर पड़े। होता है, बिल्कुल होता है। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम में संदेश देने के लिए गया था, 7 दिन का। वहां पहुंचकर शर्ट उठाया, अच्छा सा नया शर्ट है, प्रेस किया हुआ, उठाया पहना, देखा तो जेब फटी हुई है। अब एक बात बताइए कि फटी हुई जेब, बिल्कुल वो टंगा हुआ है, उसको पहन के आप सभा में जाके लोगों के सामने लेक्चर देंगे क्या? दे सकते हैं, थोड़ा सेफ्टी पिन वगैरह लगा के दे सकते हैं, यदि आप में हिम्मत बहुत ज़्यादा हो तो। फिर भी है तो मुसीबत, है तो परेशानी, और आप लेक्चर दे रहे हैं, आपका ध्यान इस बात पे है कि जेब कोई देख ना ले। होता है क्या? बिल्कुल होता है। फिर वो शर्ट उतार के नई शर्ट पे, दूसरी शर्ट पहन के गए। मेरे कहने का मतलब है, छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बातों में जीवन में मुसीबतें आती हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जो हमारी जानकारी में नहीं है। तो सदा आनंदित कैसे रहें, ये मेरे और आपके सामने प्रश्न है। इसका उत्तर प्रभु के वचन में ही दिया हुआ है। हम बाइबल खोलेंगे नहीं, लेकिन मैं वो पद आपको मुँह जवानी सुनाना चाहता हूँ। आप कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर ले। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें पद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर दिया हुआ है, और वो उत्तर यह है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। वहाँ क्या लिखा है? यह नहीं लिखा हुआ है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही भलाई होती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, मेरे आपके जीवन में चाहे खुशी का अवसर हो, चाहे सामान्य अवसर हो, चाहे दुख का अवसर हो, ये सब मिलजुल कर हमारे जीवन में खुशी उत्पन्न करते हैं। हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, अपन सब जानते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट आलू पालक, आलू मटर या आलू पनीर बनाया जाए
तो चपाती के साथ, चपाती घी के, सूखी रोटी घी के साथ खाने में वाह क्या मज़ा आता है। लेकिन वो जो आलू मटर है या आलू पनीर है या वो जो आलू गोभी है, उसमें से सिर्फ गोभी आपको दे दिया जाए तो, या सिर्फ मटर आपको दे दिया जाए तो, या उसमें से सिर्फ मिर्च आपको दे दिया जाए तो, देखिए मिर्च के बिना इन चीज़ों का स्वाद नहीं है। नमक के बिना कोई सब्जी, भला कोई सब्जी खा सकता है क्या? लेकिन यदि वो नमक अलग से आपकी जीभ पर रख दिया जाए, मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। असली सब्जी का स्वाद इन सब चीज़ों के संयोग में है, इनके मिलाए जाने पर, उसका भी एक क्रम है। उस क्रम से इन चीज़ों को मिलाकर पकाकर जब फाइनल प्रोडक्ट, जो अंतिम फल हमारे सामने आता है, तब बहुत ही स्वादिष्ट आलू सब्जी, आलू मटर या आलू गोभी हमारे सामने आता है। प्रभु के वचन के कहने का मतलब यह है कि मेरे आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं अपने आप में शायद अच्छी नहीं होंगी, लेकिन प्रभु इन सब घटनाओं का उपयोग इस तरह से करते हैं कि उन सब को लेकर प्रभु, मैं और आप नहीं, प्रभु जब उन घटनाओं को लेकर एक क्रम में जोड़ते चले जाते हैं, तब सब बातें मिलकर, हम जानते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जिस तरह से एक उत्कृष्ट भोजन का आइटम तैयार हो जाता है। यहाँ एक दो बातें और देखने लायक हैं। आप कहेंगे कि ये बात तो समझ में आ गई शास्त्री जी की, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन मैं पापी अभागा हूँ, मेरे जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं कर पाता, कई बार मैं प्रभु जो मेरे जीवन में भेजते हैं उसके बारे में शिकायत करता हूँ, कई बार मैं बड़बड़ करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो शायद सारी बातें मिलकर भलाई नहीं उत्पन्न करेंगी। देखिए प्रभु दयालु और करुणामय हैं। उस पद को जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है उन सब के जीवन में जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उन सब के जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने बोला है कि हे, प्रभु ने कहा था, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु की उस बुलाहट को सुनकर जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वो प्रभु के द्वारा बुलाया गया भाई या प्रभु के द्वारा बुलाई गई बहन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, ऐसा हर व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने जीवन में ये सोच सकता है, ये कह सकता है, उसे इस बात का निश्चय हो सकता है कि मेरे जीवन में जो कुछ घटता है या जो कुछ घटा है वो सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, और यदि मेरे जीवन में जो कुछ घटता है वो सब मिलकर, अपने आप में वो भला नहीं है लेकिन वो सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है उसके बारे में एक तो प्रभु के प्रति आभारी होना चाहिए, दूसरी बात उस बात को मनुष्य के नजरिए से देखने के बदले प्रभु के नजरिए से देखना चाहिए। इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण मैं प्रभु के वचन से याद दिलाना चाहता हूँ। एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, धर्मी युवा था जो ना तो धोखाधड़ी करता था ना अपने पिता को धोखा देता था। प्रभु के वचन में हम उस युवा के बारे में पढ़ते हैं, उस युवक के बारे में।
उसके पिताजी उसके व्यवहार से इतने खुश थे कि अपने 12 बच्चों में से उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, और उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसको एक बहुत ही अच्छा सा सूट सिलवा दिया था। सूट से ये ना सोचें कि आजकल जो पैंट सूट होता है, ऐसा नहीं। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से लगभग 4000 साल पहले की घटना है। 4000 साल पहले वो लोग जो सूट पहनते थे वो ऊपर से नीचे तक ऐसा एक चोंगा होता था। उस ज़माने में फैक्ट्रीज नहीं होते थे, कपड़े फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते थे, कपड़े धागा हाथ से बनाया जाता था। आज के समान चरखा नहीं होता था जिसके ऊपर धागा बनाया जा सके, हाथ से धागा बनाना पड़ता था, उस धागे को जोड़कर कपड़ा बनाना पड़ता था, उस कपड़े से फिर बाकायदा सिलाई करके चोंगा बनाया जाता था। उसमें जो सर्वोत्तम धागा जो हाथ से बनाया जाता था, उससे जो कपड़ा बनाया जाता था जिसको कई रंगों में ढाला जाता था या रंगा जाता था, इस तरह का सर्वोत्तम कपड़ा खरीद कर उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर अंगरखा बनवाया। इस युवा का नाम इतना प्रसिद्ध है कि 4000 साल के बाद आज भी लोग अपने बच्चों का नाम यूसुफ या जोसेफ रखते हैं। उस युवा व्यक्ति के जीवन में जो कुछ हुआ उसको हम देखें। उसके भाई लोग उसे डाह करते थे, क्यों? इसलिए कि वो सच्चा जीवन बिताता था। उसके भाई लोग वो धोखेबाज थे कई कारणों से, वो जाकर हर चीज़ ईमानदारी से अपने पिताजी को बताता था, उसके भाई लोग उससे नाराज होते थे। एक बार पिताजी ने कहा कि जाके भाइयों को देख आओ। वो भाइयों को देख आने के लिए गया तो भाइयों ने पकड़ के उसको एक अंधे कुएं में डाल दिया। अंधे कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं। मध्य पूर्व की कहानी सुना रहा हूँ, घटना है। मध्य पूर्व में ऐसी गर्मी पड़ती है कि अपने गांव में जो गर्मी पड़ती है वो कुछ भी नहीं है। भूख के मारे आदमी और प्यास के मारे आदमी कुछ घंटों में जीवन तोड़ सकता है, इतनी भयानक गर्मी होती है। उसने किया अच्छा, उसके साथ हुआ बुरा। भाई लोग चाहते थे कि वहाँ मर खप जाए। बाद में एकाध दो भाई को दया आई, उन्होंने कहा कि अपन काहे को मार डालें, इसको गुलामी में बेच दो, वहाँ पे मर खप जाएगा तो कम से कम मारने का दोष हमको नहीं लगेगा, प्लस अपन इस इलाके में जानवरों को चारा खिलाने के लिए आते हैं, 6 महीने के बाद आएंगे तो अपनी इच्छा होगी कि झांक के देखो, और झांक के देखेंगे तो अपने भाई का अस्थि कंकाल उसमें पड़ा नजर आएगा, अपने को बुरा लगेगा, इसलिए गुलामी में बेच दो। उसको गुलामी में बेचते, उस समय गुलामों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होता था। ऐसी उन पर कड़ी मार पड़ती थी और भोजन पर्याप्त नहीं मिलता था, रहने की जगह नहीं मिलती थी। गुलामी में चला गया। वहाँ जाके जिस घर में उसको नौकरी मिली थी वहाँ उसने सर्वोत्तम व्यवहार किया। उस सर्वोत्तम व्यवहार के कारण उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में उस जमाने के जेलों में बहुत ही खराब हालत होती थी, वहाँ भी प्रभु ने उसके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जेल से छूटने का अवसर आया तो जो आदमी उसको छुड़ा सकता था वो उसको भूल गया। जरा सोचिए, जिस युवा व्यक्ति ने जीवन में कभी दूसरे को धोखा देने की, दूसरे को मारने की, दूसरे के प्रति हिंसा की बात नहीं सोची थी, उसके जीवन में क्या क्या आया? पहले तो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन भाइयों ने उसको फूटे कुएं में डाल दिया। उसके बाद गुलामी में बेच दिया। गुलामी में अच्छी नौकरी की तो वहाँ पर भी सजा। सजा मिलने के बाद छूटने की नौबत आई तो जो उसको छोड़ा सकता था वो उसको भूल गया। इसमें है क्या? मानुषिक नज़र से जब हम उसको इंसानी नज़र से देखते हैं तो आभार के लिए यहाँ ये पूरी जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें कहीं कोई बात है क्या जिसके लिए हे प्रभु आपका शुक्र हो, मैं घर में आराम से पड़ा था, वहाँ से इस अंधे कुएं में डाल दिया, आपका शुक्र हो। अंधे कुएं में क्या उसको अच्छी बात है? आपने मुझे गुलामी में बेच दिया, आपका शुक्र हो। मानुषिक नज़र से देखें तो उसके जीवन में जो कुछ हुआ था
इसमें कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन पवित्र बाइबल में इस घटना को जब हम आगे पढ़ते हैं तब हम इस बात को देखते हैं कि जो कुछ हुआ था प्रभु ने उसका उपयोग कुछ इस तरह से किया कि जब उसके भाई, उसके घर के लोग, उसके पिताजी, पिता माँ, ये सब लोग जब भूखे थे, जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तब उनको भोजन देने के लिए प्रभु ने इसका उपयोग किया। इसको गुलामी में भेजा यूसुफ को, लेकिन प्रभु ने उसको मिस्र देश का महामंत्री बनाया, जिसके कारण वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने घर बार के लोगों को का पालन पोषण कर सका। लगभग 70 के करीब लोग थे, और यदि 70 के करीब लोग थे तो उनके साथ इस बात की संभावना है कि 100 से 1000 गुलाम भी रहे होंगे, और हजारों भेड़ बकरियां, गाय बैल, इस पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु ने यूसुफ का उपयोग किया। इस घटना को उसका जो करेक्ट उसकी व्याख्या है, उसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, इसको यूसुफ ने स्वयं समझा। यूसुफ के भाई लोग डर गए जब देखा कि मिस्र देश का महामंत्री हो गया हमारा छोटा भाई। मिस्र देश इतना शक्तिशाली देश था, और वहाँ के जो राजे महाराजे और उनके मंत्री लोग इतने शक्तिशाली थे कि यदि वो किसी व्यक्ति पर नाराज हो जाए, बस इशारा कर दो ले जाके उनको मार डालते थे। इतना क्रूर देश था। वहाँ से बहुत सारी घटनाएं आई हैं। एक बार एक भाई जिसको राजा, एक व्यक्ति जिसको राजा बनना था, उसके स्थान को हड़प कर उसका दूसरा भाई जब मिस्र का बादशाह बन गया, तब उनकी सगी बहन, ये बाइबल की कहानी नहीं, बाहर से इतिहास की कहानी सुना रहा, उनकी सगी बहन, उसने जिस भाई को राज्य मिलना था उसका साथ दिया। जानते हैं उसको क्या सजा दी गई? पत्थर की एक विशाल टंकी के अंदर उसको डाल दिया गया, और उस टंकी के ऊपर एक ढक्कन पत्थर का रख दिया गया। जरा सा छेद था, उस छेद में से थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा भोजन दिन भर दिया जाता था। सारा विसर्जन वहीं, लेटना वहीं, सोना वहीं, और इस तरह से उस राजकुमारी की हत्या कर दी गई। मिस्र देश इतना क्रूर देश था कि कोई भी व्यक्ति किसी से नाराज हो जाए राज्य में, मतलब जो हाई लेवल का ऑफिसर है, तो इवन राजकुमारी की बेदर्दी से हत्या करवा सकता था। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ मिस्र देश के इतिहास से सुना रहा हूँ। उस देश में यूसुफ नंबर दो व्यक्ति था। उसके भाई लोग जब उस देश में आए, उन्होंने अपने भाई यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ बहुत आसानी से अपने नीचे जो जल्लाद हैं उनसे उनको इशारा कर सकता था, ख़त्म कर दो इन सबको। क्षण भर में सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाते, क्षण भर में वो सब ख़त्म हो गए होते। लेकिन नहीं, यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। भाई लोग इस बात को जानते थे, भाई लोग डर के मारे थर्राते थे अपने छोटे भाई के कारण, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा। यूसुफ ने कई बार अपने भाइयों को बताया, प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे यहां पर भेजा, तुम लोगों ने बुराई की मेरे साथ, लेकिन वो जो बुराई की थी उसका भी उपयोग प्रभु ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया, और इस कारण मैं जब अपने जीवन को एक पूरी कथा के रूप में देखता हूं, तो यूसुफ का कहना था, प्रभु ने मुझे तुम लोगों से पहले आगे भेजा जिससे आइंदा भविष्य में मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। फाइनली जब उनके पिताजी गुजर गए, अब भाई लोगों को लगा कि पिताजी गुजर गए, अब छोटा भाई जो मिस्र देश का महामंत्री है, हम तो सिर्फ नागरिक हैं, वो भी विदेशी नागरिक, क्षण भर में हमको समाप्त कर देगा। उन्होंने तमाम तरह की माफ़ी मांगी,
यूसुफ ने उस समय भी उनसे एक बात कहा, मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। उसने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था, मेरे जीवन में मेरे भाई लोगों ने जो बुराई की है, प्रभु ने उस बुराई का उपयोग मेरे स्वयं के भाइयों की सुरक्षा के लिए किया है। यदि मैं यहाँ महामंत्री नहीं होता तो आज इस अकाल के समय जब मेरे भाई बंद मर गए होते तब मैं भी उनके साथ मर गया होता। आज मैं महल में जी रहा हूँ, इसलिए जी रहा हूँ कि मेरे भाई बंदों ने मेरे साथ बुरा किया था। तो रोमियो की पत्री 8:28 में हम जो पढ़ते हैं उसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रभु के वचन में से ये है कि हमारे जीवन में जो घटती हैं सारी बातें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन सब बातों का उपयोग प्रभु हमारे लिए करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में भलाई ही उत्पन्न हो, भलाई ही हो। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब प्रभु के वचन में ये जो लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, ये बात हम समझ जाएंगे, उसके अनुसार जी सकेंगे। आज शाम को जितने भाई लोग यहाँ एकत्रित हुए, बहनें एकत्रित हुए, उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जो घटनाएँ होती हैं सारी घटनाएँ अच्छी नहीं होती हैं। दूसरे लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं सारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि हम सिर्फ उस एक घटना को देखें, उस एक व्यवहार को देखें, तो हमारे जीवन में कड़वाहट भर जाएगी। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम देखें तब हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं सारी घटनाएं अच्छी नहीं हैं, लेकिन सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जिस तरह से नमक मिर्ची, कच्चा आलू, कच्चा गोभी और बिना पकाया हुआ जो पनीर है, उन सबको मिलाकर जब पका दिया जाता है, जब पकाने वाले के उसकी अग्नि से होकर गुजरता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो होता है लाजवाब। उसी तरह से मेरे आपके जीवन की सारी घटनाओं को जब हमारे सृष्टा हाथ में लेकर उस सबको मिक्स करके उसको उसके फाइनल उसके अंतिम प्रोडक्ट के रूप में लाते हैं, तब सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जिस तरह से यूसुफ के जीवन में हुआ था, वो स्वयं तो बच गया, वो स्वयं तो एक राजकीय जीवन बिता सका, अपने परिवार के लोगों की भी वो सुरक्षा कर सका। आज शाम को मैं जितने भाई बहन लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं मालूम, आपका परिवार या आपके परिवार का इतिहास क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, आप में से हर व्यक्ति एक मनुष्य है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, और चूँकि आप एक पुरुष या स्त्री हैं इस कारण मुझे ये बात भी मालूम है कि जिस तरह से हर जगह लोगों को अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानी या बुराई का सामना करना पड़ता है, इसी तरह से आपको भी करना पड़ रहा है, करना पड़ा होगा, करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। मेरे जीवन में भी यही सब सत्य है, लेकिन जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसके बारे में प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए आज मैं आप जीवन में यदि किसी बात से संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी की कमी, तनख्वाह की कमी, परिवार की परेशानी, परिवार में किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है आपको मिल नहीं पा रहा है, तो इस बात को याद रखें कि प्रभु इन सब बातों को लेकर भलाई उत्पन्न करेंगे। उसके पीछे प्रभु की कोई योजना है, प्रभु का कोई प्लान है। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारे मन में शांति आ जाएगी, और जिस दिन हमारे मन में शांति आ जाएगी उस दिन हम प्रभु में हर बात के लिए आनंदित होने लगेंगे। आज की संध्या के समय यदि इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, आपके जीवन में सबसे अधिक आनंद का कारण जो होना चाहिए वो आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, और वो है प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति, प्रभु यीशु के द्वारा शांति, प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन। हम इस सत्संग में
हर संडे जो एकत्रित होते हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम में से जिन लोगों ने इस मुक्ति को पाया है, जिन लोगों ने इस शांति का अनुभव किया है, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि यदि आपने इस मुक्ति और शांति को नहीं पाया है तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज प्रभु आपको दे रहे हैं वो अभी भी आपसे दूर है, उससे दूर ना रहें। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो इस सभा के बाद मुझसे आकर बात कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं ये आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूंगा। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है, हर बात अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ होता है प्रभु उसको लेकर इस तरह से उसका आपसी संयोजन करते हैं कि उसका अंतिम परिणाम बहुत ही अच्छा, भला और खुशी से भरा होता है। इस बात को जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हमारे जीवन में जो अनावश्यक तनाव है, अनावश्यक टेंशन है, दर्द है, वो हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु आप सबकी मदद करें।